हे गाइस, वेलकम टू रोशन ट्यूटोरियल एंड मैं हूं बुशरा। आज के इस वीडियो में मैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से बालों से डैंड्रफ, हेड लाइस और स्कैल्प के इचिनेस को ख़त्म करने के लिए चार बहुत ही इफेक्टिव नेचुरल रेमेडी लेकर आई हूं। चारों एक से बढ़कर एक है। जो भी आपको यूज़ करना ईजी लगता हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाएं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी पहली रेमेडी है नीम ऑयल और ये खादी के नीम ऑयल है। ये बहुत ही प्योर और केमिकल फ्री है। इसमें नीम सीड और नीम लीफ के एक्सट्रैक्ट के साथ टी ट्री एसेंशियल ऑयल है और नीम और टी ट्री ऑयल एक वेल नोन इंग्रेडिएंट्स है हमारे स्कैल्प से इन्फेक्शन, इचनेस और डैंड्रफ को दूर करने के लिए। ये बहुत ही अफोर्डेबल है, आपको 130 रुपीज़ में अमेजोन से मिल जाएंगे, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिए। ये आपके स्कैल्प से इन्फेक्शन और इचनेस को दूर करने के साथ साथ अगर आपके बालों में जुए लीज हैं तो वो भी इससे ख़त्म हो जाती हैं। इसे आप वीक में 2 से 3 बार ज़रूर ट्राई करिए और रात में इसे ओवरनाइट के लिए लगा के रखिए एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग हेयर वॉश कर लीजिए ताकि ये रात भर आपके बालों से इन्फेक्शन को अच्छे से ख़त्म कर सके। ये एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास टाइम नहीं है कोई भी रेमेडी को आने के लिए तो आप इसे सिर्फ ट्राई करिए, आपको 100% रिजल्ट देगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रेमेडी की तरफ। नेक्स्ट रेमेडी के लिए हमें चाहिए एप्पल साइडर विनेगर और एक खाली स्प्रे बॉटल। इस स्प्रे बॉटल के जस्ट हाफ हम इसमें ऐड करेंगे एप्पल साइडर विनेगर और हाफ वाटर। एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छे से ट्रीट करता है डैंड्रफ और इची स्कैल्प को और इसके एसिडिक कंटेंट स्कैल्प से इन्फेक्शन और बैक्टीरिया को किल करता है और स्कैल्प को सूथ करता है। अगेन, ये बहुत ही इजी सॉल्यूशन है आपके स्कैल्प को इन्फेक्शन फ्री रखने का और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव भी है। इसे आप वीक में 2 से 3 बार ज़रूर अप्लाई करिए। अपने साफ बालों में से स्प्रे कर लीजिए और जब ये सूख जाए तो हेयर वॉश कर लीजिए। थर्ड रेमेडी के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, कोकोनट ऑयल और टी ट्री ऑयल। यहाँ पे मैं 3 चम्मच कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। कोकोनट ऑयल आपके स्कैल्प को हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज रखेगा। फिर हम इसमें टी ट्री ऑयल के 5 से 7 ड्रॉप ऐड करेंगे। मैंने पहले ही बताया है इसके टी ट्री ऑयल के बेनिफिट्स के, ये किस तरह से हमारे हेयर स्कैल्प पे वर्क करता है। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और जब भी आप अपने बालों की ऑयलिंग करें तो इसमें टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदें ज़रूर ऐड करें जिससे कि आपको कभी भी स्कैल्प में ईचिंग और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ना हो। आप टी ट्री ऑयल को अपने शैम्पू में भी ऐड करके हेयर वॉश कर सकते हैं। फोर्थ एंड लास्ट रेमेडी के लिए हमें चाहिए दही। यहाँ पे मैं दही 4 चम्मच यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग दही की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। दही आपके हेयर एंड रूट को हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज रखेगा, बालों को कंडीशन करेगा और स्कैल्प को इन्फेक्शन फ्री रखेगा। फिर हम इसमें लेंगे 2 इंच अदरक का टुकड़ा और इसके जूस को सेपरेट कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 लेमन का जूस। जिंजर एंड लेमन स्कैल्प से इरिटेशन, इचनेस और इन्फेक्शन से फाइट करता है, स्किन के ड्राई डेड सेल्स को हटाता है और हेयर रूट को सूथ करता है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसे आपको हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर अप्लाई करना है। ट्रस्ट मी गाइस, ये तीनों इंग्रेडिएंट्स आपके स्कैल्प को इन्फेक्शन फ्री एंड इचनेस, डैंड्रफ को दूर करने के लिए एक सुपर इंग्रेडिएंट्स है। सारी रेमेडीज़ को फॉलो करने के साथ साथ आपको कुछ बातों का भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए जिससे कि आप अपने स्कैल्प को इन्फेक्शन फ्री, क्लीन और क्लियर रख सकते हैं। जैसे कि बालों को ठंडे पानी से धोइए क्योंकि गर्म पानी से आपके स्कैल्प की नमी हट जाती है और स्कैल्प ड्राई हो जाते हैं और एक्स्ट्रा ड्राइनेस के कारण भी हमारे स्कैल्प में इचिंग होती है। कभी भी दूसरे के कॉम मत यूज करिए क्योंकि हो सकता है अगर उसके स्कैल्प में इन्फेक्शन हो, इचिंग हो तो कंघे के थ्रू आपके भी स्कैल्प में ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्कैल्प को हाइड्रेटेड रखने के लिए खूब पानी पीजिए जिससे कि आपके स्कैल्प में ड्राइनेस ना हो। बालों की प्रॉपर ऑयलिंग करें क्योंकि बहुत सारे लोग ऑयल को अवॉइड करते हैं, लेकिन बालों में अच्छे से ऑयलिंग ना करने से भी आपके रूट में मॉइस्चर की कमी हो जाती है और स्कैल्प ड्राई हो जाते हैं और ड्राइनेस के कारण हमें डैंड्रफ हो जाती है। तो बालों को बार बार शैम्पू से मत धोइए, हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार शैम्पू करिए और कोई अच्छी सी हर्बल शैम्पू लगाइए क्योंकि हार्श केमिकल वाले शैम्पू से भी हमारे स्कैल्प में इसका असर होता है। ये बहुत ही कॉमन और बेसिक से स्टेप्स हैं जिसे हमें अपने हेयर केयर रूटीन में ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।